बड़े-बड़े बिल्डिंगों में अक्सर पेंटिंग करने में असुविधा होती है, क्योंकि बांस के थ्रू मचान बनाना पड़ता है या फिर रस्सी सीढ़ी के थ्रू जो है पेंट करना पड़ता है। रस्सी सीढ़ी मजदूर अपने साथ या तो ले आते हैं या फिर नई साइट में अगर नई रस्सी सीढ़ी हो तो कैसे बनाया जाए उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। रस्सी सीढ़ी में बांस छोटे छोटे जो है रस्सी में बांधा जाता है और सीढ़ी नुमा हो जाता है, तो उस रस्सी नुमा सीढ़ी को बिल्डिंग से नीचे लटकाया जाता है और फिर पेंटर उस पर चढ़ के करते हैं। ये छोटी छोटी बांसें होती हैं जिससे इस रस्सी में बांधा जाता है। नारियल की जो होती है रस्सी छोटी वाली, वो बड़ी जो ये रस्सी है प्लास्टिक की जो रस्सी है उसमें नारियल की रस्सी की मदद से बांस को बांधा जाता है। सबसे पहले जो है दोनों छोर जो हैं प्लास्टिक के रस्सी के दोनों को एक साथ किया जाता है, दो समानांतर जो है ये रस्सी को खींचा जाता है बराबर करके, उसके बाद उसमें बांस लगा के बांधा जाता है। रस्सी सीढ़ी जो है बहुत ही सुविधाजनक है और इसमें दो पेंटर एक साथ आराम से पेंटिंग कर सकते हैं, पुट्टी लगा सकते हैं, प्राइमर लगा सकते हैं। किसी भी ऊंचाई की बिल्डिंग हो तो रस्सी सीढ़ी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, सुरक्षा की दृष्टि से भी रस्सी सीढ़ी जो है काफ़ी मजबूती होती है और मूवमेंट करने के लिए इधर उधर बोरा की मदद से जो है इसको फंसाया जाता है, इसके ऊपर ऊपरी छोर पे बोरा बांधा जाता है। तो रस्सी की सीढ़ी तैयार करने के लिए रस्सी एक छोर दिख रहा है, ये नारियल की रस्सी दिख रही है जिसमें कि बांस को बांधा जाएगा। तो नारियल की रस्सी को दो भागों में हम लोग करते हैं, एक भाग तो दिख रहा है लंबा सा है और फिर रस्सी खोलने के बाद जो है फिर दूसरा भाग जो है लंबा करेंगे, दोनों भाग आसपास रहेगा और उसमें बांस को अच्छी तरह से बांधा जाता है। ये जो रस्सी दिख रहा है प्लास्टिक का रस्सी, इसी के बीच में नारियल की रस्सी को डाला जाता है और बांस को अच्छी तरह से बांधा जाता है। तो किस तरह से प्लास्टिक की रस्सी में ये दोनों जो है रख दिया गया है मिला के, दोनों छोर जो है टांग दिया गया है बराबर बराबर मिला के और फिर रस्सी को पानी में भिगाया गया है। रस्सी को पानी में भिगाने से काफ़ी अच्छे ढंग से जो है ये काम करता है और बांधने में सुविधा होती है। तो ये जो रस्सी है प्लास्टिक का, इसकी गांठों को जो है हाथ की मदद से निकाला जाता है। एक सपोर्ट के लिए नीचे ईंटा रख दिया गया है और इसकी गांठों को छोड़ा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने से जो है इसके बीच में एक जगह बन जाता है जिसमें रस्सी को ढुका दिया जाता है। नारियल की रस्सी को अच्छी से बांधने के लिए इसको पहले पानी से भिगा दिया गया है नारियल की रस्सी को, और प्लास्टिक की रस्सी में जो है बीच में इसको उल्टा घुमा के ढुका देते हैं, इसके भीतर इंसर्ट करते हैं नारियल की रस्सी को। ये नारियल की रस्सी देखिए भीतर चली गई, तो अपनी सुविधा अनुसार जो है नारियल की रस्सी को बीचों बीच कर लेते हैं, दो भागों में जितनी बड़ी नारियल की रस्सी है उससे बीचों बीच कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गांठ बांध देते हैं नारियल की रस्सी से, जो है एक गांठ अगर हम बांध देते हैं तो अच्छी है, ज़्यादा मजबूती आएगी, अपनी जगह से ये खिसक नहीं पाएगी किसी भी हालत में। तो इसमें नारियल की रस्सी जो है नायलोन वाले रस्सी में डालते हैं और उसके बाद इसमें एक गांठ बांधने की कोशिश करते हैं। एक गांठ बांध देने से सुविधा ये होगी कि ये बांस अपने जगह से कभी आगे पीछे खिसकेगा नहीं। तो इस तरह से एक गांठ बांध दिया गया नारियल की रस्सी में, अब ये रस्सी जो है आगे पीछे हो नहीं सकता है, काफ़ी इसमें मजबूती आ गई, ये गांठ दे दी गई। तो इसके बाद जो है बांस जो है यहाँ पे लाके उसको इसमें बांधने की कोशिश की जाती है। तो अभी दोनों साइड से जो है जितना बड़ा करीब 6 से 7 फीट का जो है बांस रहता है जिसमें दो आदमी बैठ जाते हैं, तो बांस का जो है दोनों सिरा बांधने के लिए रस्सी के दोनों सिरे में ये नारियल का रस्सी इंसर्ट किया जाता है। नारियल की रस्सी से
बीच से जो है प्लास्टिक की रस्सी के बीच से नारियल की रस्सी को इसमें डाला जाता है। डालने के बाद एक गांठ दिया जाता है कि अपनी जगह से नहीं हो इधर उधर। उसके बाद बांस को रख के ये ट्राई किया जा रहा है, बांस को रख के ये ट्राई किया जा रहा है कि कितना लंबा रहेगा, कितना चौड़ा रहेगा। करीब 6 इंची की डिस्टेंस जो है ये दी जाती है, जो बांधा गया है 6 इंची रस्सी से बाहर निकला रहे तो अच्छी स्थिति होगी। 5 या 6 इंची बाहर निकला जा सकता है, 4 से 6 इंची के बीच अगर ये बाहर निकला रहे बांस रस्सी से दोनों साइड में तो अच्छी पोजीशन न होती है। तो इस तरह से ये दिख रहा है कि दोनों नारियल की जो रस्सी है उसको सीढ़ी जैसा जो मेन सपोर्टिंग के रूप में इसको रखा गया है और यहाँ नारियल का रस्सी से बांस को बांधने की तैयारी की जा रही है। नारियल की रस्सी को ढुका दिया गया है प्लास्टिक वाली रस्सी में और इसमें एक गांठ दिया जा रहा है कि अपनी जगह से ये ऊपर नीचे नहीं हो। तो उस साइड वाले में गांठ दे दिया गया था और इस साइड वाले में भी गांठ दिया जा रहा है कि अपनी जगह से जो है ये इधर उधर मूवमेंट नहीं हो। नारियल की रस्सी को प्लास्टिक में डालने के बाद एक गांठ दिया गया इसमें और गांठ देने के बाद जो है तैयारी हो रही है कि बांस को इसमें कैसे बांधा जाए। तो बांस को बांधने की तैयारी चल रही है, बांस को बांधने की तैयारी चल रही है। इस तरह से जो है प्लास्टिक की रस्सी में नारियल के रस्सी को इंसर्ट करके मजबूती से बांधा जाता है कि अपनी जगह से जो है नारियल की रस्सी ऊपर नीचे नहीं हो, नहीं तो खतरा हो सकता है। किसी भी काम में सुरक्षा के जो नियम है उसको अच्छी तरह से पालन करना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 इंची से ज़्यादा है, करीब करीब ये 9 इंची के आसपास ये बाहर निकला हुआ है ये रस्सी से बांस। तो ये अपनी सुविधा के अनुसार जो है 9 इंची 6 इंची ये किया जा सकता है, ये आइडियल लग रहा है। 9 इंची 10 इंची के आसपास बाहर निकला हुआ है तो ये आइडियल लग रहा है ये पोजीशन। नारियल की रस्सी को ऊपर नीचे मजबूती से घुमा के बांधा जा रहा है, एक बार ऊपर से डाला जा रहा है तो एक बार फिर जो है नीचे से डाला जा रहा है, दोनों साइड में बांस के और रस्सी के दिया जा रहा है और गांठ बांधा जा रहा है। यहाँ पे इसमें एक ज़बरदस्त गांठ बांधा जा रहा है कि किसी भी हालत में ये खुले नहीं। तो ये गांठ जो है ये ज़बरदस्त है, बांधा जा रहा है यहाँ पे और गांठ बांधा जा रहा है तो ये काफ़ी मजबूती आ रही है। बिल्डिंग जो है 5 स्टोरी हो सकती है, 6 स्टोरी हो सकती है, 10 स्टोरी हो सकती है, उसमें ये बांस काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इस तरह की सीढ़ी बना के इससे पेंटिंग किया जा सकता है, पुट्टी किया जा सकता है, सैंडिंग किया जा सकता है, किसी भी तरह एक्सटीरियर काम अगर बिल्डिंग का करना हो तो उसमें यह सुविधाजनक है, सुविधाजनक है और साथ में जो है काफ़ी कम कॉस्ट में ये बन भी जा रहा है। अगर बांस की अगर मचान बनाते हैं हम लोग पेंटिंग वगैरह के लिए तो काफ़ी खर्चीला हो जाता है, वो फिजिबल नहीं हो पाता है। कभी और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें एक सिंगल रस्सी के सहारे ये जो लैडर दिख रहा है हमें, सीढ़ी नुमा बांस और रस्सी का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसमें 2 आदमी काम कर सकते हैं। लेकिन सिंगल सीढ़ी में, सिंगल रस्सी में एक झूला बनाया था उसमें सिंगल पेंटर चढ़ के पेंट कर सकता है, वो दूसरे ट्रिक टेक्निक से उसकी रस्सी बनाई जाती है, उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी सावधानी से बांस को नारियल की रस्सी की मदद से और नायलॉन की रस्सी की मदद से ये बांधा जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये बांधा गया है कि किसी भी हालत में दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं हो। बार बार इसे गांठ दिया जा रहा है कि कहीं खुले नहीं ये, क्योंकि कारीगर जब 5-6 तल्ला ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ के काम करता है तो पूरा उसका भार जो है इसी बांस और रस्सी के ऊपर होता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बांधना बहुत ही ये है, दोनों साइड में 2 कारीगर हैं और दोनों साइड में वो बांस को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि रस्सी पे जो है
नीचे एक ईंटा का सपोर्ट लिया गया है। ईंटा का सपोर्ट लेने के बाद जो है इसको नीचे से ऊपर से घुमा के बार बार बांधा जाता है, टाइट बांधे समय काफ़ी टाइट ये बांधा जाता है कि ये लूज नहीं हो कनेक्शन जो है। और ये देखा जाए ये गांठ जो है ये गांठ के आसपास बांधते हैं, ये जो गांठ है इसके आसपास बांधते हैं। ये गांठ बाहर रहती है तो ज़्यादा अच्छा होता है, गांठ बाहर है तो खुलने की संभावनाएँ जो है, खसकने की संभावनाएँ जो है कम हो जाती है। तो गांठ को बाहर कर देने से रस्सी की इधर उधर खसकने की संभावना कम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ भी गांठ हो उसके आसपास ही बांधेंगे कि रस्सी जो है इधर उधर नहीं जा सकती है। तो कोशिश करेंगे कि गांठ के आसपास ही बांधे, और एक फिट वो निकलर है वो ज़्यादा अच्छा है। ये सरकने की कभी सिचुएशन आएगी तो पता चल जाएगा कि ये जो है मोमेंट हो रहा है, तो गांठ के पास बांधने से ये जो है मोमेंट का चांसेस कम होता है। कोशिश करेंगे कि गांठ के आसपास ही हम लोग बांधें। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये बांस की सीढ़ी तैयार हो रही है, रस्सी बांस की सीढ़ी तैयार हो रही है। सीढ़ी तो जनरली बांस की होती है लेकिन ये रस्सी के सहारे, फिर ये दूसरा बांस बांधने की तैयारी हो रही है। नायलन के रस्सी को अनवाइंडिंग करते हैं हम लोग और उसमें से एक जगह निकलता है, उसी में से फिर नारियल की रस्सी को निकालते हैं। नारियल की रस्सी को बीचों बीच करते हैं कि बांधने में आसानी हो, फिर यहाँ पे गांठ देंगे इसको हम लोग। रस्सी जब बीचों बीच आ जाएगी तो यहाँ पे गांठ देंगे रस्सी में। अभी रस्सी को बराबर बराबर भागों में किया जा रहा है। इस साइड में जो है बांस को काफ़ी अच्छी तरह से बांध दिया गया। बांधने के बाद इसमें गांठें जो है दी जा रही है ऊपर नीचे, काफ़ी ज़ोर से ये बांधा जा रहा है कि अपनी जगह से ये हिले नहीं। फिर इसमें यहाँ पे गांठ देने की कोशिश की जा रही है, ये नारियल की रस्सी में गांठ दिया गया है। रस्सी से जो है नारियल की रस्सी को बांधते समय एकदम टाइट करना है, ज़ोर से टाइट करना है, चारों तरफ से रस्सी को आगे पीछे करते हुए, नायलॉन की रस्सी को आगे पीछे करते हुए ज़ोर से नारियल की रस्सी को बांधना है कि बांस अपने जगह पर टिका रहे, कहीं इधर उधर नहीं जाए। बांस जो है करीब 9 इंच से लेके 1 फीट तक बांस के गांठ के आसपास बांधना है कि वो निकल नहीं पाए। बांस के गांठ के पास दोनों साइड में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि गांठ अगर हो तो उसके आसपास किया जाए, इससे काफ़ी मजबूती से बांस रस्सी के सहारे टिका रहता है। तो एक के एक बाद जो है बांस लगाते हैं। बांस की दूरी करीब 4.5 फीट के आसपास जो है बांस की दूरी रखते हैं। एक बांस से के बाद जब दूसरी बांस लगाएंगे, ये जैसे एक बांस लगा हुआ है, फिर दूसरा बांस जो है करीब 4 फीट के डिस्टेंस पर लगाते हैं। ये लंबा सा जो है सीढ़ी बांस तैयार होगा, रस्सी सीढ़ी बांस तैयार होगा। तो ये एक बांस अपनी जगह पर बंधा गया तो फिर दूसरा जो है करीब करीब 4 फीट की दूरी पे हम लोग इसको बांधते हैं। जैसे पहले बांस को हम लोगों ने बांधा उसी तरह दूसरे बांस को भी हम लोग बांधेंगे। रस्सी को पहले जो है रस्सी को ढीला करेंगे और फिर कर रहे हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं रस्सी बांधने के बाद जो है रस्सी तैयार हो गई तो कैसे पेंटर इसको नीचे करके वो पुट्टी लगा रहे हैं। इस वीडियो में पुट्टी कैसे नीचे तक जो है रस्सी ये लटकी हुई है, बांस बंधा हुआ है उसी पे जो है मिस्त्री जो है पेंटर मिस्त्री है अपना चढ़ के वो पेंट कर रहा है, पुट्टी कर रहा है। ये देखना है ये जो रस्सी का दूसरा सिरा है यहाँ पे बोरा रखा हुआ है, 3-4 बोरा, और एक सिरा जो है रॉड से बंधा हुआ है। तो दोनों सिरे को रॉड से बांध देना है और बोरा 3-4 बोरा से जो है इसको दबा के रखना है, और दूसरी साइड से मिस्त्री जो है ये बांस पे आके बांस चूल्हा पे आके पुट्टी लगा रहा है, अपना आराम से ये पुट्टी लगा रहा है। देखा जा सकता है कि 2 आदमी इस झूले पे हैं, और एक चीज़ की कमी है कि सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, सेफ्टी के लिए एक अलग से रस्सी जो है कमर में बांधी जाती है किसी भी तरह, तो सेफ्टी बेल्ट इनके पास नहीं है, ये लैकिंग है। कभी भी सेफ्टी बेल्ट पहन के जाना चाहिए। तो नीचे तक ये सीढ़ी झूला है
और बीच में बाल्टी है, और इससे ये मज़दूर बाल्टी ऊपर नीचे ले जाने के लिए ऊपर से एक पतली रस्सी के थ्रू जो है ना बाल्टी को वो रखा जाता है, जिससे कि वो मटेरियल अपना है, चूना है या समोसम है या पुट्टी है, वो निकाल के अपना लगाता है। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि पुट्टी ये मिस्त्री लगा रहा है, पुट्टी लगा रहा है ये बाहरी दीवारों पे सीढ़ी झुलाप से ऊपर नीचे जाते हुए, और ये पुट्टी लगाते ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से मिस्त्री जो है सीढ़ी झूला का उपयोग करके पुट्टी लगा रहे हैं। एक मिस्त्री का काम ख़त्म हो गया तो वो नीचे आ गया और नीचे जो है पुट्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। अभी दीवार ये थोड़ा साफ़ कर रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है ये। बड़े बिल्डिंगों में रंगाई पोताई करते समय सीढ़ी झूला की जो है उपयोगिता ज़बरदस्त है। दो रस्सी जो है उसके बीच में बांस बंधा हुआ है, और आराम से दो दो पेंटर मिस्त्री उसके ऊपर बैठ के, उसके ऊपर खड़ा होके वो आराम से रंग, चूना, सनोसम या पेंटिंग या एक्सटीरियर वॉल पेंटिंग वो किसी तरह का कर सकते हैं। काफ़ी आवश्यक है ये झूला पेंटिंग लाइन के लिए। कहीं पे ले जाने में भी सुविधा है इसको। फिर समय मिलने पे हम लोग सिंगल झूला कैसे होता है, सिंगल झूला पे एक एक मिस्त्री कैसे चढ़ता है करता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन अभी सीढ़ी झूला इसमें दो आदमी ऐसे एट ए टाइम काम कर सकते हैं। बहुत ही ये आवश्यक है ये पेंटिंग लाइन के लिए। दूर से देखा जा सकता है कि किस तरह से मिस्त्री जो है झूला सीढ़ी झूला का उपयोग करके वो पुट्टी लगा रहे हैं पेंटिंग लाइन में। एक्सटीरियर करने के लिए बहुत ही आवश्यक सीढ़ी झूला। लेकिन दो तीन पॉइंट्स जो है वो ध्यान देने वाली है कि जितनी मोटी रस्सी है ये नायलॉन की, उसकी आधी जो है आधे मोटाई की जो है एक रस्सी होती है जो ऊपर से बाल्टी को नीचे ले जाने, उतारने या ऊपर ले जाने के लिए काम आता है। और जब भी पेंटर मिस्त्री हो एक सेफ्टी बेल्ट होता है, एक सेफ्टी बेल्ट होता है जिसको बांधना जरूरी होता है, काफ़ी सेफ्टी का काम करता है सेफ्टी बेल्ट, तो वो नहीं है यहाँ पे। सेफ्टी में मिस्त्री है पेंटर जो है इसके बॉडी से बंधा रहता है कि किसी भी घटना दुर्घटना अगर ये झूला सीढ़ी के साथ होता है तो सेफ्टी रस्सी जो है वो पेंटर की जो है जान बचाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सीढ़ी झूला कैसे बनाते हैं हम लोग। बनाने के बाद उसके सीढ़ी झूला से कैसे हम लोग पेंट करते हैं या पुट्टी करते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया गया यहाँ पे कि सीढ़ी झूला को कैसे हम लोग बनाएं। सीढ़ी झूला बनाने के बाद इस पे चढ़ के कैसे हम लोग वॉल पुट्टी वगैरह करें, और वन बाई वन करते हुए अपना काम करें। सीढ़ी जो है सीढ़ी एक साइड से तो नीचे लटकते रहता है और दूसरी साइड से जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चार पांच बोरा है उससे जो है जाता हुआ है सीढ़ी को, और दोनों रस्सी को कहीं मजबूत जगह पे ऐसा बांधा हुआ है कि वहाँ से सरक नहीं पाइए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सीढ़ी झूला की क्या उपयोगिता है, सीढ़ी झूला पेंटिंग लाइन में क्यों आवश्यक है, और सीढ़ी झूला को कैसे हम लोग बांस और प्लास्टिक की रस्सी, नायलॉन की रस्सी और नारियल की रस्सी और नायलॉन की रस्सी की मदद से हम लोग इस तरह का झूला बनाते हैं।
तो ये झूला बना के बहुत ही आसानी से जो है हम लोग सब काम कर रहे हैं, और काफ़ी ये सुविधाजनक है, काफ़ी कंफर्टेबल है मिस्त्री के लिए कि दो आदमी एक एट ए टाइम एक साथ वो पुट्टी करते हैं। ये पुट्टी करते हुए वीडियो जो है पुट्टी करते हुए वीडियो दिख रहा है सीढ़ी झूला के थ्रू, कि मिस्त्री सीढ़ी झूले का उपयोग करते हुए अपना काम कर रहे हैं। तो ये सीढ़ी झूला यहाँ दिख रहा है, और मिस्त्री जो है बहुत ही आसानी से सीढ़ी झूला पे चढ़ के वो अपना पुट्टी लगा रहे हैं। एक साइड जो है अगर काम हो गया तो फिर इसके बाद थोड़ा सा बगल में सीढ़ी झूला को फिर लगा देते हैं कि जिससे कि आगे काम किया जा सके। तो पेंटिंग लाइन में इंटीरियर तो पेंट कराते ही हैं हम लोग, लेकिन जब एक्सटीरियर की बात आती है तो काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है कि किस मिस्त्री के पास, किस हेल्पर के पास सीढ़ी झूला है, कैसे लिया जाए, कितना इसका रेंट लगेगा, या अपने पास ही बना के ऑल टाइम रखना है, इन तमाम बातों